चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सभी जो गांव के हमारे मुखिया है यानी के चेयरमैन पद के हैं जिम्मेवार, ये सब अच्छे कार्य कर रहे हैं। पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बस वगैरह वगैरह कुछ है। ठीक है, बस एजुकेशन हो गया, जैसे कि डिग्री कॉलेज हुआ, ये समस्या हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, अब बस ये चेयरमैन ही हो जाएंगे, अब चेयरमैन होकर अपना घर में बैठ जाएंगे, गद्दे पर सोएंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया फहरेंगे, गरीब आदमी की कोई सहूलियत नहीं। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यहाँ खड़े हुए हैं और बागपत जिले की ये नगर पंचायत टीकरी है और टीकरी का ये मेन मार्केट, मेन बाजार इसको बोलते हैं। और हम टीकरी नगर पंचायत में पता करेंगे आज की नगर पालिका चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय यहाँ जिला बागपत में बन रही है। आइए हमारे साथ, आपको बाजार में ले चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। मेरा नाम है जी शौकीन खान। शौकीन भाई, कस्बे में चुनाव है आपके? हाँ जी। क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग मैदान में हैं? मैदान में सब लोग हैं जी, सब अपने हैं, बहुत अच्छा माहौल है, सुख शांति से चुनाव की तैयारी करी जा रही है, तो माहौल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छा है, सुख शांति है। सभी जो गाँव के हमारे मुखिया है यानी के चेयरमैन पद के हैं जिम्मेवार, ये सब अच्छे कार्य कर रहे हैं। लोग तो पर्चे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ तीन चार आदमियों का जोर है। थोड़ा सा बताइए, चार कैंडिडेट का जोर है बढ़िया यहाँ से। अच्छा, एक राजबाला और जो है सोमपाल। अच्छा। और एक जो है स्कूटर वाला के नाम इसका उपेंद्र और एक विधायक। अच्छा। इनका चार आदमियों का ठीक जोर है। हम देख रहे हैं एक ही जो राजनीतिक पार्टियां है, एक भाजपा से एक ही कैंडिडेट दिख रहा है, बाकी पार्टियों से नहीं कोई चुनाव लड़ रहा है? नहीं, ये कांग्रेस से भी लड़ रहा। कांग्रेस से उनका क्या नाम? कांग्रेस विपिन है, विपिन। हाँ, कांग्रेस। कितने हैं सर, कितने प्रत्याशी उतर रहे? वैसे तो 24 हैं पर 11 तो लड़ी रहे मैदान में। 11? हाँ, 11 कैंडिडेट मैदान। ऐसे जनता क्या सोच रही है? वह जनता का देखो, वह जनता कुछ रात बैठ नहीं रहा है, वह जनता का चार कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट तो आना ही है। चलिए आखिरी तक बताइए किन में थोड़ा सा फाइट रहेगी? बस इनमें दो में ही रहेगी, सोमपाल में, राजवाला में ही ज़्यादा फाइट है। आपका क्या नाम? मेरा नाम रमेश प्रजापत है जी। जी रमेश जी, क्या हाँ लग रहा है चुनाव में? बहुत सारे लोग चुनाव में बहुत बढ़िया हो रहा जी, अच्छे चुनाव हो गए जी, बिल्कुल। हमारे गाँव में कोई बदमाशी नहीं, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। कैसा रहता है चुनाव? बहुत बढ़िया, अच्छा रहता है जी, चुगम में बढ़िया रहता है जी, बिल्कुल ओके। चुगामा खाप की? हाँ हाँ जी हाँ। लेकिन चुगामा खाप देखिए कि लोक दल का क्षेत्र माना जाता है, कोई प्रत्याशी उनसे नहीं है इस बार? लोक दल का है जी, है दो तीन है जी, बढ़िया बात है। लोक दल ने यहाँ सिंबल ही नहीं दिया? सिंबल से दे रखा जी, किसको दे रखा वो सिंबल? हाँ, लोक दल का नहीं दिया, वीरपाल को उठा जी बस। आपकी क्या मांग है कस्बे में, किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? अच्छा काम होना चाहिए जी, सुविधा अच्छी प्रकार की होनी चाहिए, कोई एक आंख तो देखना चाहिए, जो राजा बने एक आंख तो देखना चाहिए, जो वो पार्टी बाजी वाला काम ना होना चाहिए। विशाल है जी। विशाल भाई, चलिए मेरा भी नाम विशाल है। क्या करते हैं आप वैसे? मैं जी पत्थर का काम करूँ जी। अच्छा, पत्थर का मिस्त्री में रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो आपके टीकरी में कस्बा है, बड़ा कस्बा है, चुनाव है नगर पालिका। हाँ जी। किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा, कौन सा ऐसा चेहरा होगा चेयरमैन के लिए? चेयरमैन के लिए जी जो अच्छा भी हो जाए सभी ठीक है जी, अपने लिए जी। चलो सभी ठीक है। हाँ जी। चले तो कस्बे के लिए कुछ किस तरह की सुविधाएं है कस्बे में? कस्बे के लिए ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके नाम के खेल कूदने के स्टेडियम बने, उनके तरफ को प्रैक्टिकल होगा बढ़िया अच्छी तरह के, उनकी तरफ को ध्यान दे, देखो जब भी तो आगे प्रगति बताएगी जब उनकी तरफ को कोई आदमी ध्यान देगा, वैसे कुछ जब कोई ध्यान नहीं देने का तो प्रगति होने की नहीं। अच्छा, क्या नाम आपका? रईसुद्दीन है जी। रईसु भाई, कस्बे टीकरी में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो जी जीप का है जी, और जीप कोई जिताऊंगा, गरीब जनता जो है। कौन लड़ रहे हैं चुनाव? जीप तो वो है जी, मैं कार्वती। हाँ जी। अच्छा, तो एक चीज बताइए कस्बे में किस तरह की सुविधाएं है आपके यहाँ, सुविधाएं कैसी है? बस सुविधा तो जो है नहीं, जो कुछ दे रखी जी उन्होंने दे रखी है। हाँ जी, ये घड़नचे पड़नचे जो है, पहले यहाँ पानी नहीं भरा था, अब जब पानी भरन लगा जी। हाँ जी, बहुत सारे पोस्टर हम देख रहे हैं जी, एक जी। बड़ी पार्टी से केवल भाजपा से धर्मेंद्र फौजी है, बाकी पार्टियों से नहीं यहाँ कोई चुनाव लड़ रहा, सब निर्दलीय ही है? हाँ जी, निर्दलीय तो है जी, पर जोर तो जो है ना जी जीप का ही है। हाँ, जीप का? हाँ जीप का है जी। तो आप अपने कस्बे में किस तरह की सुविधा चाहते हैं, आप किस तरह की चीज़ें चाहते हैं? बस देखो, हमारी तरफ तब सुविधा करो ना करो जी, हम तो जीप को चाहो। अच्छा, जीप को चाहो। चलिए,
वे जो है गरीबों की हमदर्दी करे। नाम क्या आपका? अच्छा, एक चीज कस्बे के लिए क्या चाहते हैं, किस तरह की सुविधा हो, चेयरमैन कोई भी आए। भैया हमारे गांव में एक सड़क परिवहन, जैसे कि गाड़ी की प्रॉब्लम है, कोई भी बंदा आता है तो मानने की बात है वेट ही करना पड़ता है बस स्टैंड पे। ठीक है ना, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बस वगैरह वगैरह कुछ है। ठीक है, बस एजुकेशन हो गया, जैसे कि डिग्री कॉलेज हुआ, ये समस्या है भैया जी। बड़े भैया नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर है। सतवीर जी, क्या लग रहा चुनाव है, किस तरह? चुनाव जो है मतलब तीन फेरे आज वाला हुई, सब काम उन्हें कर रखे, दो फेरे सोमपाल होया, कुछ नहीं करा, बस मैं तो यू है राज वाला जीत गया। क्या सुविधा चाहते हैं? सुविधा मतलब यहाँ से मेरा गाड़ी पार्टी अच्छी यू सब तो बड़ा वो है। चलिए, तो जैसे आप ये काम करते हैं, आपके लिए नहीं कोई ऐसा ठिया, कोई ऐसा चौक नहीं है जहाँ बैठ के आप? अच्छा, तो कभी कोई दुकान लेने की नहीं सोची कि इस तरह की चीज़? पैसा नहीं है क्या करें, लेकिन नगर पालिका भी इस तरह की चीजें होती है, कोई इस तरह का पार्क हो या स्टेडियम हो, इस तरह की चीज़? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक चीज और बताइए सतीश जी, आप जैसे बहुत सारा मजदूर तबका है, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था, उनकी गलियां कैसी है, सड़कें कैसी है? गली पली सब सही है जी, बिल्कुल फिट है। जैसे बरसात होती है तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी, पानी भरता होगा? बरसात है तो उठ जाओ अपना, और कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की? नहीं, और कुछ नहीं है। तो इतना सारा पैसा आता है नगर पालिका में, कभी व्यवस्था नहीं की जा सकती आप जैसे की? अगर लोग चाहे, चेयरमैन कोई भी आए, कोई नहीं करता, अगर वो चाहे तो हो सकती है ना ऐसी व्यवस्था? और कोई करता तुम नहीं बताओ? 35 साल तक चेयरमैन नहीं है यहाँ, खंडक में काम पड़ रहा, खंडर हो रहा, इसमें कोई भी सुविधा नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, और किसी मतलब है जो अड़ोस पड़ोस के गाहक आवाते वे भी नहीं आते भैया। हेलो, तो ऐसी कोई जैसे नगर पालिका के काम होते हैं भाई, साफ सफाई का, पार्क हो कोई या स्टेडियम हो? बट नगर पालिका तो वह साफ सफाई तो हो जा, पर वो कोई सुविधा नहीं, वो मजा नहीं है। खेती किसानी का एरिया है, लोग लगभग किसानों के बच्चे ही पुलिस आर्मी की तैयारी करते हैं, कोई मैदान नहीं है दौड़ने? मैदान कहाँ, यहाँ मत कोई कॉलेज है या स्कूल है, यहाँ पढ़ने का कोई वो नहीं, बाहर ही जाते हैं सब यहाँ। जी दादी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही हूँ यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, अब तो हाथ जोड़ रहे हैं, इधर को जाओ जब दो कोस पाँव चलो, उधर को जाओ जब दो कोस पाँव चलो, दिन छिपे से बाद में कोई साधन नहीं मिलता, चाहे पाँव आओ चाहे अपने वाहन से आओ, जिसका वाहन नहीं हो तो वो क्या करेगा? कोई नहीं कहता कि भाई गाड़ी लगवा दे, यहाँ से बैठो अपने दिल्ली जाओ, यहाँ से बैठो मेरठ जाओ, कहीं को भी जाओ, कहीं सहूलियत नहीं है बिल्कुल। आप एक महिला है, महिलाओं के लिए तो और भी दिक्कत होती होगी बहुत ज़्यादा। जैसा अब हमें दो कोस पर जाओ, रास्ते में बैठ जाओ, फिर चल दो, जब वहाँ कोई साधन नहीं मिलता खड़े रहो। तो कभी इस तरह की सुविधाएं है कस्बे में, जैसे भाई बच्चों के लिए खेल के मैदान होते हैं, महिलाओं के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर हो या लाइब्रेरी हो? कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है। अब बस ये चेयरमैन ही हो जाएंगे, अब चेयरमैन होकर अपने घर में बैठ जाएंगे, गद्दे पर सोएंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहरेंगे, गरीब आदमी की कोई सहूलियत नहीं। लोग तो बहुत सारे बैनर पोस्टर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उठ, हाँ बहुत सारे उठेंगे, तब जब कुश्ती में सब लड़ेंगे तो एक ही जीत है, कोई भी जीतो तब जीत कर नहीं आके अपना बैठ जाऊंगे। चलिए, जैसे आप एक महिला भी है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सुविधा चाहते हैं? चेयरमैन जो होगा देखा जाएगा बाद। अब हमारी कौन सुनेगा यहाँ, इतने तो सुन रहे हैं, हमें वोट दे दिए बस। अच्छा। ये हाथ जोड़ कर कि हम दे देंगे। हम लोग बागपत जिले के कस्बा टीकरी में थे, और टीकरी में हम लोगों ने ये मेन बाजार है टीकरी का, हमने यहाँ आम जनता से बातचीत की और लोगों से जानने की कोशिश की कि टीकरी में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, क्या लोग सोच रहे हैं। लोगों का मानना है कि बहुत सारी सुविधाओं की कमी है कस्बे में अभी, और जुड़े रहे CCA से, आपको उत्तर प्रदेश से खबरों आती रहेगी। धन्यवाद। अच्छा जी, आप तो आप तो अभी गए, अभी हमारे पूरी जिंदगी 60 साल हो गए आज ही है। हाँ, अन्य कोई आज ना कोई नहीं।